हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सम्यक और आज मैं एक न्यू क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रेजेंट हूँ। ए प्राइस ऑफ 6 kg ऑफ राइस इज ₹76.20। फाइंड द प्राइस ऑफ 8 kg। 6 kg राइस का प्राइस इतना है तो हमें 8 kg का पता करना है। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है। गिवन प्राइस ऑफ 6 kg ऑफ पोटैटो 76.20 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर प्राइस ऑफ 1 kg हमें 1 kg का निकालना है। तो इसे यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, 6 इसको डिवाइड कर जाए, क्योंकि हमें 1 kg का निकालना है और ये 6 kg का तो हमें डिवीजन करना है, ये बात तो हमें पता होती है। फिर तो हमें निकालना है 8 kg का, तो जहाँ पर 1 kg का जो तरीका है, इससे हमें 1 kg का आंसर पता चल जाएगा। ये समझिए 1 kg का ही वो है, 1 kg का प्राइस है ये। तो इससे हमें क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर 8 kg का पूछा है। फिर तो उसके बाद हम करेंगे क्या, 76.20 था, इसका डेसिमल हम ब्रेक कर देंगे और इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे, डेसिमल की जगह यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, और जितने डिजिट्स इस डेसिमल के बाद हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद, उतने 0 हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। फिर यहाँ पर 8 था, तो 8 को क्या करेंगे, हम एक न्यू फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बना देंगे, और बेचारा जो डिनोमिनेटर है 6, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर था वो बेचारा कहाँ जाए, तो उसे क्या कर देंगे हम, न्यू फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बना देंगे। तो जो 6 यहाँ पर था, जिसकी जगह अब 100 ने ले ली, वो अब आ जाएगा 8/6 में डिनोमिनेटर की जगह। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो 100 और 76.20 का 0 है, ये तो हो जाएगा कैंसिल। फिर उसके बाद हमें 6 से इसे कैंसिल कर देना है, क्योंकि हो सकता है 6 1 जा 6, यहाँ पर फिर इसकी वैल्यू गई, क्योंकि यहाँ पर अब 1 आ गया, और फिर यहाँ पर आएगा आंसर 127। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 127/10, ये आंसर आएगा। तो अब हमें इसे क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, अभी डेसिमल फ्रैक्शन में, तो इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। एक नॉलेज की बात मैं बीच में बता देता हूँ, डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनके नीचे 100 या ऐसे नंबर्स हों, मतलब जो कि जिनमें 1 और 0 ही सिर्फ आता हो, वैसे डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शन को कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि उनसे हम नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन 10 है, तो इस 0 की जगह क्या करेंगे, एक डिजिट हम आगे फॉरवर्ड, एक डिजिट आगे चले जाएंगे और यहाँ पर डॉट लगा देंगे, फिर ये डेसिमल मतलब डेसिमल का ही फ्रैक्शन का ही जो डिनोमिनेटर, ये अब गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 12.7। और ये तो जो है ये प्राइस है 1 kg का, तो इसे हम क्या, इसे हमें क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, 8 kg का। तब हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आंसर आ जाएगा 101.6। हम एक बार यहाँ पर कर कर भी देख लेते हैं, 127/8। यस, तो फिर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, हाथ में आ गया कैरी 5 5, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21, तो यहाँ पर 21 का 1 आ जाएगा, फिर कैरी हो जाएगा 2, 8 1 जा 8, फिर 9 10, 101.6 आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो विजिट आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू एंड बाय।